हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय, क्या बोलूं मैं। ओके गाइस, जैसे आप सुबह से देख रहे हो, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली। अभी तो रात के 12 बज गए, ऊपर ही हो गया 12 बजे, सुपर टाइम हो गया। 6 जुलाई को सुबह 6:30 बजे मेरा चैनल हैक हुआ। मेन चैनल यार, मतलब क्या ही बोलूं, मेरा मेन 5 साल की मेहनत। और मुझे तो एक्चुअली 9:30-10 बजे तक तो मुझे कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि मैं सो रही थी। कल रात को लेट तक मैंने काम किया। सुबह आरब के पापा को आप सबके ही मैसेजेस आए, इतने सारे। एक तो आप सबको इतना प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबके इतने सारे मैसेजेस आए कि कुछ तो हुआ है, गड़बड़ हुई है डीके चैनल के ऊपर। तो इन्होंने मुझे ये बोला कि देखो, तुम्हारा चैनल ना दिख नहीं रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो जब मैंने देखा, मेरा दिल अंदर से पता क्या कर रहा था, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और जब मैंने खोला तो बस मेरा तो शुरू हो गया, मैं तो रोने लगी। मैंने सबसे पहले भाई को फ़ोन लगाया, रोते रोते बोला मेरा चैनल हैक हो गया। मतलब ये लाइन ही इतनी ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 मिनट, मतलब वो जो घंटे थे ना, ऐसे लग रहा था ना, आपको पता, मैंने कुछ आके बोल के अपडेट नहीं दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा दिल की धड़कन में एकदम धीरे धीरे चले थे, मैं एकदम नंब हो गया था, जैसे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मेरा दिमाग दौड़ रहा है, मैंने कोई गलत जगह पे क्लिक किया, मैंने कोई गलत ईमेल आईडी खोली, मैंने कुछ गलत वो किया। मैं सब दौड़ा रही हूँ अपने दिमाग को, क्योंकि गड़बड़ तो जो भी होगी मेरे से ही होगी ना। फिर मैंने सारा कुछ एनालाइज किया कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैंने कोई गलत फॉर्म नहीं भरा। आपको पता है, कुछ कई बार ऐसे ब्रांड्स होते हैं, कई बार बोलते हैं अगर आपको कोलैबोरेशन करनी है तो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। ब्रांड अच्छा भी होता है ना, अगर मुझे अच्छा भी पे कर रहे होते ना, जहाँ पे फॉर्म फिल करने की बात आती है ना, आई एम लाइक कि बाढ़ भेजाओ, मुझे करना ही नहीं तुम्हारे साथ काम। मतलब अगर कुछ डायरेक्ट बात करनी है तो ठीक है, फॉर्म वाला, लिंक क्लिक करने वाला, डर के मारे नहीं मैं ओपन करती। एंड पता नहीं अब क्या चक्कर हुआ। हाँ, यूट्यूब, फिर भाई को कुछ समझना है कि कहाँ से हम शुरू करें। फिर उसने बोला कि तुम बताओ कहाँ यूट्यूब में कुछ तुमको कोई जानता हो या कुछ वैसे। फिर मैंने बोला मैं निधि दी को फ़ोन कर सकती हूँ, निधि कत्यार दी, उनको मैंने फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, यूट्यूब को फॉर्म भरना पड़ेगा। थोड़ा सा उन्होंने प्रोसेस बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे तो ऊपर मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने बोला कि आई विल हेल्प यू। मैंने बोला नहीं, मेरा भाई कर रहा है, बस थोड़ा सा गाइडेंस दे दो, गाइड कर दो, शुरू कहाँ से करें, करना क्या सबसे पहले। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई को ही नंबर मेरा सेंड करो, मैं उससे ही डायरेक्ट बात करती हूँ। फिर भाई ने बात की सुमित ने, क्या बात हुई दोनों की आपस में, भाई क्या उस समय से सुबह से लगा हुआ लैपटॉप से। 10 बजे मम्मी फोन किया था ना मैंने, 10:30 बजे, 10:30 बजे से लगा हुआ है भाई, और रात तक, मतलब शाम तक लगा रहा। यूट्यूब से बहुत बार चैट की, बात की, उन्होंने मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो भी चीज़ें होती है ना, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह भी सब कुछ मांगे, एवरीथिंग। फिर उन्होंने बोला कि आप बार बार उसमें मत करो, हम आपको मेल करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर अब कल देखना पड़ेगा, कम से कम 24 आवर्स तो पास करने पड़ेंगे ना। तो फिर कुछ भी नहीं, अभी बस चल रहा है। ऐसे लग रहा है ना, जो मैंने सुबह से चैनल नहीं ना खोला, तो ऐसे लग रहा है ना जैसे कमी है। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि दोपहर को तो पता है मेरा दिल इतना घबरा रहा था ना, मैं उस समय सोच रही थी मैं वीडियो बना के आपको अपडेट दूं, कुछ दूं। मैंने चुप करके अपने कमरे में ना चद्दर ली और मैं सो गई। मेरा, मुझे लग रहा था बस मैं इतना लोड ही नहीं ले पाऊंगी, मैं सो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चीज़ ना जब मैं ठीक ही नहीं कर पा रही, जब मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही, भाई को बोल दिया, फिर वही कर रहा था। आधा घंटा बस सोई होंगी, सोई क्या थी, दिमाग को दौड़ा 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 के थक गई थी मैं। एनीवेज, मैंने कोई लिंक नहीं दबाया, मैंने कोई कुछ भी नहीं ऐसा किया। मानोगे, मुझे कल परसों एक मेल आई, मेल नहीं आई, एक ब्रांड की तरफ से आया कि कोई गेमिंग ऐप है या फिर कुछ यू नो कुछ ऐसा पैसों वाली ऐप है। मैं डर के मारे ऐसे वाली ऐप की वीडियोस की प्रमोशन भी नहीं कर, मैं कह रही मुझे करना ही नहीं है। एक आधा क्लिक किसी से भी इधर उधर हो गया, कुछ गलती होगी, 10 रुपये 20 रुपये बचाने के चक्कर में मैं अपने ऑडियंस को कुछ ऐसी वीडियो डालना ही नहीं चाहती। उन्होंने बोला अच्छा मत डालो अपने चैनल पे, आप बस हमको वीडियो बना के दे दो, हम अपना प्रमोट करेंगे। मैंने कहा अरे मेरे को करना ही नहीं है, मुझे इस चक्कर में ही नहीं पड़ना, 10 रुपये बच जाएंगे मोबाइल रिचार्ज करने में, तो ये इसमें यहाँ पे मुझे नहीं करना, जाओ छोड़ो। कहती इट्स अ गुड डील, मैंने बोला नहीं करनी मुझे डील। ये 2-4 दिन पहले की बात थी, जब मैंने खुद मना की थी कि मुझे ऐसी डीलिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे डर लगता है।
ऑनलाइन ना कोई भी आप लिंक दबाते हो, कुछ भी करते हो, कैसे भी करते हो, तो इट्स नॉट सेफ. एनीवेज अभी तक का ये अपडेट है, हमको अभी तक कुछ अपडेट मिला नहीं है, समझ नहीं आ रहा. कल क्या अपडेट मिलता है आपको बताऊंगी. बाय गाइस, ऐसे प्यार करते रहो. तब तक ये वाली वीडियो मैं अभी ब्लॉग चैनल पे डालती हूँ, होप कल तक आ जाए एंड सब सॉर्ट आउट हो जाए.